नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। कई दशकों से हिंदी सिनेमा और अपने फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का 16वां सीजन दर्शकों को काफी प्यारा लग रहा है। शो में अब तक कई एपिसोड्स आ चुके हैं जिनमें कंटेस्टेंट्स लाखों की राशि जीतकर निकले। शो के हालिया एपिसोड में एक ऐसी कंटेस्टेंट्स आई जिनकी कहानी सुन दर्शक और खुद अमिताभ बच्चन भी भावुक हो गए। ये कहानी है शालिनी शर्मा की, जो दिल्ली से मुंबई तक नंगे पैर सिर्फ इसलिए आई ताकि वो कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा ले सके। उन्होंने ये सब अपने बेटे के लिए किया जो काफी समय से बीमार है और बिस्तर पर है। उन्होंने शो के दौरान बताया कि उनके लिए KBC का सेट किसी मंदिर से कम नहीं है और अमिताभ बच्चन उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। हालांकि शालिनी ने काफी अच्छा खेला और शो से 25 लाख रुपए जीत कर गई, लेकिन जब उनसे 50 लाख रुपए का सवाल पूछा गया तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। अमिताभ बच्चन ने उनसे नीरज चोपड़ा से जुड़ा एक सवाल पूछा था जिसका शालिनी सही जवाब नहीं दे पाई और उनके हाथ से 50 लाख की राशि निकल गई। शालिनी शो से जीती हुई राशि से अपने बेटे का इलाज करवाएंगे। उनका बेटा लंबे समय से बिस्तर पर है और शालिनी ने बताया कि कई लोगों ने उन्हें बेटे की मर्सिंग कीलिंग का सुझाव दिया। इस दौरान शालिनी ने बताया कि उनके बच्चे की उनकी ताकत है और वो अपने बेटे का इलाज करवा रही हैं। उनके 18 साल के बेटे को जन्म से ही ऑटिज्म है। इस बेटे के लिए शालिनी ने व्रत किया और KBC के सेट पर नंगे पैर आई। अमिताभ बच्चन ने माँ के दर्द को समझा और मदद की पेशकश की। शालिनी ने बताया कि वो शो हमेशा से देखती हैं और इसका हिस्सा बनना चाहती थी। शालिनी शर्मा ने आगे कहा कि उनके बेटे को दौरे की समस्या है, एक दिन में लगभग 30 तो कभी 40 बार भी अटैक पड़ जाता है। ये दर्दनाक कहानी सुनते ही शालिनी की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। अमिताभ बच्चन भी शॉक्ड हो जाते हैं। बिग बी ने उन्हें अपना समर्थन दिया, साथ ही कहा कि वो अपनी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट शेयर करें ताकि जरूरी इलाज की सुविधा के बारे में पता चल सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।